श्री महाकाल दोस्तों, जो कि जगत के संगम आपका स्वागत है। दोस्तों एक फिल्म का डायलॉग था जिसमें ये कहा जाता है कि सचिन तेंदुलकर के माता पिता यदि उनको गायकी के क्षेत्र में पहुंचाते तो क्या इतने अच्छे क्रिकेटर बन सकते थे। तो वो इतने अच्छे क्रिकेटर नहीं बनते, उनके माता पिता ने उनकी रुचि का ध्यान रखा और उनको एक सही दिशा में डाला, तो आज वो एक सफल क्रिकेटर कहे जाते हैं। तो इसी प्रकार से हर माता पिता ये चाहता है कि उनके जो बच्चे हैं वो तरक्की करते रहे, उन्नति करते रहे और हमेशा उनको कामयाब भी प्राप्त हो। तो इसके लिए उनको कौन सा सब्जेक्ट देना है, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं ज्योति जगत बाय देवनीरंजन। दोस्तों दसवीं पास करने के बाद में अधिकतर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, पेरेंट्स भी काफी कंफ्यूज रहते हैं कि उनके बच्चों को कौन सा करियर चुनना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो एक तो बच्चों की इच्छा होती है, तो बच्चों की इच्छा होती है। अधिकतर बच्चे सोचते हैं कि हमारे जो दोस्तों ने जो सब्जेक्ट लिया है हम भी वही सब्जेक्ट ले लें। दूसरी होती है पेरेंट्स के अधूरे सपने। तो कुछ पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं कि जो वो काम अपनी जिंदगी में नहीं कर पाए वो काम उनके बच्चे उनको करके देंगे तो वो सक्सेस कहे जाएंगे। तो एक होती है बच्चे की इच्छा, एक होती है पेरेंट्स की इच्छा। अब इन सबसे अलग होती है प्रभु की इच्छा। तो प्रभु की इच्छा का जो विश्लेषण है वो ही हम कुंडली में करते हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार करते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही होता है कि दसवीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट बच्चों को दिया जाए जिससे कि वो हमेशा सफल हो। कुछ लोग मैथ दिलवा देते हैं, कुछ बायो दिलवा देते हैं, लेकिन एक दो साल बाद उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने गलती कर दी, तो फिर कॉमर्स या फिर आर्ट्स के अंदर बच्चों को पहुंचा देते हैं। तो इस तरीके से उनका जो करियर है वो उसका जो आधार है वो ही पूरी तरीके से खराब हो जाता है और वो बच्चे फिर कभी भी इतनी ज्यादा उन्नति नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए करियर की काउंसलिंग के लिए कुंडली का अध्ययन करना काफी आवश्यक है। जो बच्चों की जो रुचि है, जो बच्चों का जो शौक है, उसी हिसाब से उनको करियर का चुनाव करना चाहिए। उसका कारण ये है कि आप अगर करियर का चुनाव करते हैं तो आप उसी में सक्सेस होते हैं, उसी में आपको सफलता मिलती है। जो काम आप शौक से पूरा करते हैं, जो काम आप जुनून से पूरा करते हैं, जिस काम में आपका पैशन है, उस काम को करने में आपको मजा भी आता है और आपका करियर भी उसी में संवरता है। तो आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिए और इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं कि दसवीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट बच्चों को दिलाना चाहिए। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली का जो पहला घर होता है, किसी भी कुंडली को आप देखेंगे तो उसका जो पहला घर होता है वो व्यक्तित्व का घर माना जाता है। आपका जो व्यक्तित्व है, जो कैरेक्टर है, उससे रिलेटेड पहला घर माना जाता है कि आप आपकी जिंदगी कैसे गुजारेंगे, आपका व्यक्तित्व क्या रहेगा समाज के अंदर, उसको देखने के लिए पहला घर देखा जाता है। तो आपका व्यक्तित्व आपके करियर पर काफी इफेक्ट डालता है। जो दूसरा घर होता है वो सेविंग मनी का होता है, संचित धन का होता है, वाणी का होता है, दिमाग का होता है और आपके विचारों का होता है। तो धन आपके कुंडली में आएगा तो कहाँ से आएगा ये आपका दूसरा घर बताता है। इसके अलावा जो दसवां घर होता है वो पिता का घर होता है, बॉस का घर होता है, नौकरी का घर होता है। तो धन आने का जो स्रोत है यानी कि मनी का जो सोर्स है वो आपका दसवां घर होता है। तो ये तीन जो घर हैं, पहला घर, दूसरा घर और दसवां घर, ये तीन घर कुंडली में सबसे खास होते हैं। इसके अलावा जो छठा घर होता है वो कॉम्पिटिशन का घर होता है, उससे भी करियर देखा जाता है। ग्यारहवां घर जो होता है वो लाभ का घर होता है, उससे भी करियर देखा जाता है। लेकिन खास तौर से पहला, दूसरा और दसवां घर ही खास होता है कि जिसके द्वारा हम करियर का चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा जो दशमांश कुंडली होती है उसका भी काफी महत्व होता है। दशमांश कुंडली के द्वारा भी अध्ययन कर सकते हैं कि कौन सा करियर लेना है, किस करियर की दिशा में जाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा। दशमांश कुंडली का भी अध्ययन इसमें किया जाता है, लेकिन सबसे खास होता है पहला घर, दूसरा घर और दसवां घर। तो दोस्तों पहला घर, दूसरा घर और दसवां घर आपके कुंडली में काफी इंपॉर्टेंट होता है करियर को लेकर। भले ही आपका कोई सा भी लग्न हो, भले ही आपकी कोई सी भी राशि हो, लेकिन पहला, दूसरा और दसवां घर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है करियर से संबंधित। तो आप ये 99.9% कुंडली में देख सकते हैं कि इस हिसाब से ही आपका करियर बनेगा। आप पुरानी अपने माता पिता की कुंडली भी देख सकते हैं या जो सक्सेस लोग हैं उनकी कुंडली देख सकते हैं। तो उसके अंदर पहला, दूसरा जो दसवां घर है उसी के हिसाब से, उसमें जो ग्रह हैं उनके हिसाब से ही उनका करियर चमकता है। तो यदि आप अपना करियर चमकाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों सबसे पहला जो घर होता है
दूसरा घर जो होता है वो दसवां घर जो होता है, उसमें कोई सा भी ग्रह हो उसकी डिग्री होना, उसकी डिग्री का बल होना काफी महत्वपूर्ण है, इसी हिसाब से आपका करियर चलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि पहले दूसरे और दसवें घर में चंद्रमा विराजित है, आपकी कुंडली में लग्न कोई सा भी हो, राशि कोई सी भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले दूसरे और दसवें घर में यदि चंद्रमा है तो आपका जो व्यक्तित्व है वो कल्पनाशील रहेगा, आप भावुक रहेंगे, करियर में आप कलाकार बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, डिजाइनर बन सकते हैं, डायरेक्टर बन सकते हैं फिल्म के, आर्किटेक्ट बन सकते हैं, चांदी या दूध का व्यवसाय भी आप कर सकते हैं। तो आप भावुक होने के कारण से आप मेष नहीं ले सकते, वायु नहीं ले सकते हैं, तो आपको आर्ट सब्जेक्ट लेना चाहिए जो आपको करियर में आगे बढ़ाएगा। दोस्तों अब दूसरे ग्रह की बात करते हैं, यदि पहले दूसरे और दसवें घर के अंदर मंगल है तो आपका जो व्यक्तित्व है वो एग्रेसिव रहेगा, एक मैकेनिकल माइंड यहाँ पर हो जाता है, लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर आ जाती है, तो आप खिलाड़ी बन सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, सेना, पायलट, इंजीनियर, आईपीएस में भी आप जा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम आप कर सकते हैं, हॉस्पिटल लाइन में भी आप जा सकते हैं। तो आप मैथ्स और बायो सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन इसमें से भी जो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है वो मैथ्स है, तो आप मैथ्स लेकर अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों तीसरा ग्रह है बुध ग्रह। यदि आपके पहले दूसरे और दसवें घर में बुध ग्रह है तो आपका जो माइंड है वो एक मैनेजमेंट टाइप का होता है, तोड़ मोड़ के बोलने वाला होता है, तो आप मैनेजर बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप बिजनेस कोई सा भी कर सकते हैं, मार्केटिंग के अंदर आप जा सकते हैं, क्योंकि वाणी भाव में बुध होता है तो मार्केटिंग के अंदर आपका करियर अच्छा हो सकता है, बैंक के अंदर भी आपका करियर अच्छा हो सकता है, शेयर मार्केट के अंदर भी आप जा सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम भी आप कर सकते हैं। तो आपको कॉमर्स सब्जेक्ट सुटेबल रहेगा, तो जिनके पहले दूसरे और दसवें भाव में बुध है उनको कॉमर्स सब्जेक्ट लेना चाहिए। दोस्तों अगला ग्रह है गुरु ग्रह। यदि आपके पहले दूसरे और दसवें घर के अंदर गुरु ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, तो आपका जो व्यक्तित्व रहेगा वो नॉलेजेबल रहेगा, आप ज्ञानी समझे जाएंगे समाज के अंदर, ज्ञान देने की आपकी इच्छा हमेशा रहेगी, तो आपको पढ़ाने का क्षेत्र चुनना चाहिए, स्कूल कॉलेज हमें आपको जाना चाहिए, टीचर बनना चाहिए, प्रोफेसर बनना चाहिए, आप राजनीति में भी जा सकते हैं क्योंकि आप अपनी बात को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, आप कथावाचक भी बन सकते हैं, आप अच्छे वक्ता बन सकते हैं, आप मार्केटिंग अच्छी कर सकते हैं, गोल्ड का बिजनेस आप काफी अच्छा कर सकते हैं, आप काफी अच्छे कूक बन सकते हैं और काफी अच्छे आप काउंसलर भी बन सकते हैं, क्योंकि लोग बाग आपकी बातों को महत्व देते हैं और काफी ध्यान से सुनते हैं। तो ये सभी करियर के आपके क्षेत्र हो सकते हैं, तो आपको मैथ्स और आर्ट में से कोई सा एक सब्जेक्ट लेना चाहिए, लेकिन आपको प्रेफरेंस आर्ट पर देनी चाहिए। दोस्तों अगला ग्रह है शुक्र ग्रह। यदि आपके पहले दूसरे और दसवें घर के अंदर शुक्र ग्रह है तो आप एक कला प्रेमी रहेंगे, आप एक क्रिएटर रहेंगे, कुछ ना कुछ आपको नया बनाने की इच्छा होगी, कला से संबंधित करियर आपको इसमें चुनना चाहिए, आपको डांस में जाना चाहिए, आपको सिंगिंग करना चाहिए, राइटिंग कर सकते हैं, मॉडलिंग कर सकते हैं, फिल्म लाइन में आप जा सकते हैं, आप सुगंध का व्यापार भी कर सकते हैं, सौंदर्य प्रसाधन का काम भी कर सकते हैं, इसके साथ ही कपड़े का बिजनेस भी आप कर सकते हैं। तो आपको शुक्र ग्रह यदि आपके पहले दूसरे दसवें घर में है तो आपको आर्ट सब्जेक्ट लेना चाहिए। दोस्तों अगले ग्रह की बात करते हैं। यदि आपकी कुंडली में पहले दूसरे और दसवें घर के अंदर शनिदेव है तो आपका जो व्यक्तित्व है वो तार्किक होता है, आप टेक्निकल माइंड भी आपका हो सकता है, तो आपको जज की तैयारी करनी चाहिए, वकील की तैयारी करनी चाहिए, डीएम आप बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में आपका दिमाग काफी तेज दौड़ता है तो कंप्यूटर का सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, लोहे और तेल का बिजनेस आप कर सकते हैं, फैक्ट्री वगैरह भी डाल सकते हैं, एंकर आप बन सकते हैं, पत्रकार भी बन सकते हैं और खेती किसानी भी आप कर सकते हैं। तो शनि से जुड़े हुए जितने भी करियर के क्षेत्र हैं उसके अंदर आपको सफलता अवश्य मिल सकती है, तो आपको मैथ्स सब्जेक्ट या फिर आर्ट सब्जेक्ट लेना चाहिए, लेकिन मैथ्स को ज्यादा प्रेफर देना चाहिए। दोस्तों अगला ग्रह है सूर्य ग्रह। यदि आपके पहले दूसरे और दसवें घर के अंदर सूर्य ग्रह है तो आपका जो व्यक्तित्व है वो लीडरशिप वाला रहेगा, तो आपको सरकारी ऑफिसर बनना चाहिए, आईएएस की कंपटीशन आपको देना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में आप जा सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, पुलिस का करियर आपके लिए अच्छा रहेगा, राजनीति में भी आप काफी अच्छा काम कर सकते हैं, अनाज का बिजनेस कर सकते हैं, खासतौर से गेहूं का बिजनेस आपके लिए काफी लाभदायक हो सकता है,
इसके अलावा सरकारी टेंडर जितने भी निकलते हैं उससे भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो जिनके पहले दूसरे और दसवें घर के अंदर सूर्य है उनको आर्ट या मेस सब्जेक्ट लेना चाहिए, लेकिन आर्ट सब्जेक्ट उनको काफी प्रिफेयर होगा और काफी अच्छा उनको लाभ दे सकता है। दोस्तों अगला ग्रह है राहु ग्रह। यदि आपके पहले दूसरे और दसवें घर में राहु ग्रह है तो आपका जो व्यक्तित्व होगा काफी रहस्यमय होगा। एक साथ आप 10 जगह आपका दिमाग दौड़ा सकते हैं, ये आपको ऊपर वाले का आशीर्वाद प्राप्त होता है। स्थिर नहीं रह सकते हैं, आपका जो विचार आपके जो विचार है वो स्थिर नहीं रहेंगे, पल पर बदलते रहेंगे। तो आपको एक बहुआयामी आपका व्यक्तित्व होता है। राजनीति का क्षेत्र इनके लिए काफी अच्छा होता है क्योंकि ये काफी दूर तक सोच सकते हैं और सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है ये इनके दिमाग में पहले से आ जाता है, ऐसा इनको आशीर्वाद होता है। मैनेजर बन सकते हैं ये अच्छे, कंप्यूटर फील्ड में जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह बन सकते हैं। टेक्निकल इनका माइंड होता है तो टेक्निकल इंजीनियर भी बन सकते हैं। शेयर मार्केट से काफी अच्छा पैसा इनको मिल सकता है। मोबाइल के क्षेत्र में जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जा सकते हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र में भी इनका दबदबा हो सकता है क्योंकि इनकी जो वाणी होती है वो काफी अच्छी होती है। इस कारण से मार्केटिंग के क्षेत्र में भी इनके लिए सफलता मिल सकती है। इसके अलावा किराना की जो दुकान है जो मार्ट वगैरह होते हैं वो भी ये हो सकते हैं। तो ये कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, मैथ्स आर्ट कॉमर्स कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन आर्ट और कॉमर्स इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। और अगर ये मैथ्स लेंगे तो भी इनका जो करियर है वो अच्छी तरीके से चल सकता है। दोस्तों यदि आपके पहले दूसरे और दसवें घर में केतु ग्रह है तो आपकी जो सोच है वो एकांकी होती है, अकेलापन आपको अच्छा लगता है। तो इस कारण से आपको टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाना चाहिए, वैज्ञानिक के क्षेत्र में जाना चाहिए। वैज्ञानिक आप बन सकते हैं, दार्शनिक बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, कर्मकांडी हो सकते हैं, तांत्रिक साधनाओं में आपका दिमाग ज्यादा लगता है आप साधक हो सकते हैं, आप काउंसलर अच्छे हो सकते हैं, लोगों को अपनी अच्छे से बात समझा सकते हैं, पुलिस के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। तो जिनके पहले दूसरे और दसवें घर के अंदर केतु होता है उनको मैथ्स आर्ट और कॉमर्स में से कोई सा भी एक सब्जेक्ट लेना चाहिए, लेकिन मैथ्स को ज्यादा प्रिफेयर देना चाहिए। तो दोस्तों ये हो गई पहले दूसरे और दसवें घर में यदि एक ही ग्रह है तो उससे संबंधित पीरियड की बात है। अब मान लो यदि आपके पहले दूसरे और दसवें घर के अंदर कोई सा भी ग्रह नहीं है तो फिर उसके बाद क्या होगा, तो उसके अंदर आपको कुंडली के ऐसे ग्रह देखने पड़ते हैं जिनकी दृष्टि पहले दूसरे या फिर दसवें घर पर पड़ रही है। मान लो आपकी कुंडली में पहले दूसरे और दसवें घर के अंदर दो या दो से अधिक ग्रह आ जाते हैं तो फिर क्या करना चाहिए, तो उसमें आपको कुंडली का षटफल देखना पड़ेगा, किस ग्रह का जो बल है वो ज्यादा है किसका कम है ये देखना पड़ेगा, आपको दशमांश कुंडली का अध्ययन यहाँ पे करना पड़ेगा, चलित कुंडली का अध्ययन यहाँ पे करना पड़ेगा, आपके जो कुंडली है उसके अंदर उच्च का ग्रह कौन सा है, नीच का ग्रह कौन सा है, उसका बल कितना है, ये सब भी देखना पड़ेगा। इसको देखने के बाद ही आप करियर का चुनाव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था करियर और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित एक छोटा सा वीडियो। दसवीं के बाद आप कौन सा सब्जेक्ट लें इसका चुनाव आप अपनी कुंडली देखकर भी कर सकते हैं और किसी अच्छे ज्योतिष से अपनी कुंडली दिखवाकर भी कर सकते हैं, लेकिन कुंडली दिखवाकर ही यदि आप बच्चों को उनका करियर दिलवाएंगे उनका सब्जेक्ट दिलवाएंगे तो उनके लिए काफी अच्छा रहेगा, वो हमेशा सफल होते रहेंगे, कभी भी जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। कुंडली से संबंधित आपका कोई सा भी प्रश्न हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगला अंक में। जय श्री महाकाल।